ओहो गिर गया गिर गया। अरे खाली हो गया भाई ये तो। आपको मैं थोड़ा गुजरात का कल्चर बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, देखो यहाँ पे बनता है खाना पीना। और मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम समुद्र देख रहा हूँ। ये देखो मैं बिल्कुल साइड पे खड़ा हूँ, मेरे को पता है मैंने ये ऊपर कर लिया क्योंकि बहुत तेज आती है लहर उधर से। अब देखना आप जब लहर आएगी उसी के मतलब मैं तो डर जाता हूँ भाई पानी से, मैं नदियों में भी नहीं जाता था नहाने तो। और यहाँ में देखना आप जो शंख बनते हैं, मेरे को नहीं था पता वो कैसे बनते हैं, तो मैं जब आया था तो जो भाई के साथ आया हूँ वो लोकल है यहाँ का। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये जो समुद्र का जो पत्थर होता है, जैसे हमारे उत्तराखंड गढ़वाल में गढ़वाले कुमाऊं में उधर पे चलता है मंडुआ, तो इधर पे चलता है ये देख सकते हैं। इधर पे इन्होंने अपना खेतों का पूरा सामान रखा और यहीं पे बगल में कुआं भी है। समुद्र पास में फिर भी ये वाला जो पानी है, बाजरे की रोटी है और दाल बनी हुई है। क्योंकि मैं भी किसान फैमिली से हूँ भाई, तो जो सबसे अच्छी जो फसल होती है मतलब बगीचा जो सबसे अच्छा होता है वो होता है भाई नारियल का। वो क्यों होता है उसका मैं रीजन भी आपको बता रहा हूँ। पानी हमारा मुख्य हाथों से हुआ तो अच्छा अच्छा दिखा मुझे एक घर दिखा। और इधर पे इस घर के आप देख सकते हैं जो खाट बिछी है, देखो कैसे बिछार के नीचे बकरियां वगैरह बांध रखी है, वो वहाँ पे भैंस बांध रही है छोटी भैंस, और ऊपर देखो यहाँ पे ये सोते हैं रात को। ये देखो भाई ये जा रही है बैलगाड़ी, दो बैल पीछे लगे हैं। ये जो देख पा रहे होंगे आप ये सारा शमशान घाट है, और इसी के बगल में एक्चुअली यहाँ पे शमशान घाट में हम इसलिए आए क्योंकि यहाँ पत्थर आप देख सकते हैं भाई, ये कैसे पत्थर है, बिल्कुल नुकीले पत्थर है बहुत ज्यादा। ये देख सकते हैं आप इधर पे सारी बोट्स पड़ी है। और यहाँ पे एक्चुअली मैं इसलिए आया हूँ, मैं आपने कृष्ण भगवान के बारे में सुना होगा, रणछोड़ दास बोला जाता है उनको, तो जो जब वो रण छोड़ के आए थे तो ये भाई मेरे को बता रहे हैं कि जो उनका जहाँ पे वो छुपे थे वो इधर ही पड़ता है, जहाँ पे अंबुजा सीमेंट का वो जट्टी बनी हुई है इधर साइड बैक साइड में, जो भाई जो मैंने अभी आपको बताया होगा बैक साइड में इधर साइड बनी हुई है। अर्जुन का सोने का महल इधर ही था, अभी सोने का महल बकासुर राक्षस को अर्जुन भीम ने मारा यहीं पर। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हूँ मैं धामलेज विलेज गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, और यहाँ पे मैं कल इवनिंग 6:30 बजे पहुँच गया था। जैसे कि अगर आप मेरा रेगुलर गुजरात वाली सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें मैंने कल वाला जो ब्लॉग है वो यहीं पे एंड करा था इसी घर में। और अभी मैं एक्चुअली यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ, जो कि कैमरे में नहीं आना चाहता, वो थोड़ा शर्माता है भाई कैमरे में। तो अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ उनकी छत पर, और ये जो विलेज है ये गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली सोमनाथ के लिए आया हूँ। सोमनाथ जो आपको पता है दुनिया का पहला ज्योतिर्लिंग शंकर भगवान का जो है वो यहीं है, 12 ज्योतिर्लिंग में से सोमनाथ में ही। तो यहाँ पे यहाँ से वो सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे है, इनका गांव थोड़ा 30 किलोमीटर आगे। अभी मैं विलेज में हूँ, ये धामलेज विलेज है, और जो सोमनाथ है जो कि ज्योतिर्लिंग है वो डिस्ट्रिक्ट बन चुका है गिर सोमनाथ के नाम से, वो यहाँ से 30 किलोमीटर पीछे है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं आज आपको जो एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ वो जो विलेज ब्यूटी है यहाँ की, एक्चुअली क्या है कि ये यहाँ पे बिल्कुल समुद्र के किनारे पे ये गांव बसा हुआ है। तो यहाँ के जो इनके खेत वगैरह है, खेत खलियान, क्योंकि ये लोग भी फार्मर्स है, तो 18,000 लोग रहते हैं इस गाँव में जहाँ पर मैं हूँ अभी। और दूसरी बात, अभी तक जो क्योंकि मैं कल शाम से हूँ यहाँ पे, तो मेरे को इनके डैडी और काफ़ी लोग मिले यहाँ पे, तो उनसे मैंने बहुत सारी डिस्कशन करी रात में। तो उन्होंने मेरे को बताया जैसे इधर पे इधर का जो कल्चर है गुजरात का यहाँ पर बेसिकली इधर साइड का, तो जो मेरा दोस्त है उसकी भी मेरी बराबर ही एज है, 21-22 साल जितनी भी है, और उसने अभी तक कभी मतलब शादी कर रखी है। तो इधर पे क्या होता है कि जैसे इनका कोली कम्युनिटी से आते हैं इधर पे ना, कम्युनिटी कम्युनिटी की जैसे अलग अलग कम्युनिटी, राजपूत कम्युनिटी, कोली और ब्राह्मण और शूद्र, और जैसे मतलब अलग अलग जो भी बनिया जो भी कम्युनिटी होती है उस टाइप के इधर पे क्या होता है कि जैसे इनकी कोली कम्युनिटी है तो इनकी कम्युनिटी के लोग एक साल में एक दिन रखते हैं जिस दिन ये सभी लोग शादी करेंगे इसी गांव के ना सिर्फ। हाँ जैसे हाँ, तो जितने भी इधर पे गांव हुए इनके, जितने भी मतलब इनके गांव का एक ग्रुप होगा बनाया हुआ, तो उनमें देखते हैं कि जिन मतलब इसमें क्या होता है कि खर्चा भी कम आता है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। इसमें जैसे ये भाई है
अब ये कोली कम्युनिटी से आता है तो इधर पे कितने गांव में कितने लोग कोली होंगे, तो उनका क्या होता है कि एक साल रखता है, जैसे इस साल इन्होंने 12 फरवरी 2024 रखा हुआ है ना भाई, 12 फरवरी 2024 तक जिनके रिश्ते होते हैं, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसमें कभी साल में 100 शादियाँ हो जाती है, कभी 70 शादियाँ, तो उसमें क्या है कि समाज के सभी लोग एक ही दिन शादी का दिन रखते हैं, उसी दिन उस कम्युनिटी के सभी लोग शादी करेंगे, किसी का लड़का होगा, किसी की लड़की होगी, कोई लड़का इधर लाएगा, कोई लड़की उधर जाएगी, उसमें क्या होता है कि आपका जो खर्चा है वो भी बच जाता है, बोले तो मतलब बहुत कम खर्चा लगता है इन, मतलब ये मेरे को एक नई चीज़ देखने को मिली यार, अच्छी भी लगी, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ ये मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का। बाकी अभी तो मैं काफ़ी लोगों से और मिलूँगा, गाँव में जाऊँगा वो भी आपको दिखाऊँगा, और जब मैं आगे जाऊँगा समुद्र में तो वहाँ पर भी कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखाऊँ आपको, तो बने रहिए वीडियो पे। बाकी मिलते हैं भाई आपको थोड़ी देर में। ये सीढ़ी है भाई, भाई के गांव में ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की, यानी पुराने टाइप की सीढ़ी है, ये देखो इस पे एक रस्सा लगा हुआ है, बिल्कुल खड़ी सीढ़ी है, ये देखो ये रस्सा लगा हुआ है, तो जैसे ही हम जाते हैं तो इस रस्से को पकड़ना होता है, ऐसे ऐसे पकड़ना होता है, और उसके बाद ऐसे सीढ़ी में चलना होता है, ये ऐसे रस्सा पकड़ के अब निकलते हैं नीचे। तो ये है भाई की सीढ़ी। सो गाइज, अभी एक्चुअली हम गांव में जा रहे थे घूमते घूमते, तो यहाँ पे एक फैमिली के घर पे आए जो भाई के जानने वाले हैं, तो यहाँ पे चाय पी रहे थे, तो आपको मैं एक थोड़ा गुजरात का कल्चर बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, थोड़ा पास आ जाओ, एक्चुअली क्या है, जैसे हमारे इधर चाय पीते हैं गिलास में पीते हैं, तो इधर पे क्या है कि इनका कल्चर ही ऐसे ही इसमें पीते हैं, हमारे इधर बोलते हैं इसको शायद कटोरी हिंदी में और गढ़वाली में, बट इधर पे क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं इसको, आपने पी लिया, रखा भी हाँ, गुजराती में इसको रखा भी बोलते हैं, इसमें पीते हैं भाई इधर पे चाय, हमारे उधर ये कल्चर ही है इधर का, पकड़ना भाई, मैं जहाँ तक भी अभी गया पूरे गुजरात में तो मतलब रकाबी में ही देते हैं, कटोरी में ही देते हैं, ग्लास में आपको चाय नहीं मिलेगी इधर पे, तो ये थोड़ा मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए। गुजरात में बाकी मैं अभी जहाँ पे आया हूँ वो दिखाता हूँ आपको व्यू है, ये अंकल जी हमारे साथ बैठे हैं, इनके घर पे आया हूँ, ये तो भाई मेरे साथ ही आया, ये आंटी जी है, तो इधर पे किचन है आप देख सकते हैं, ये रसोई है इनकी, ये देखो यहाँ पे बनता है खाना पीना, ये देखो तो ये रसोई है, जैसे चूल्हा अपने उधर ही होता है, मैं अभी गांव से हूँ, मेरे लिए कोई डिफरेंट चीज नहीं है, बट जिन्होंने नहीं देखा ये देख सकते हैं आप, ये किचन है, ये बच्चे बैठे हैं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये रकाबी इधर पे ग्लास में नहीं देंगे आपको, रकाबी में ही देंगे, यानी कटोरी में ही देंगे। तो भाई अभी आ चुके हैं भाई के खेतों में, और यहाँ से अब हमने जाना समुद्र की ओर, एक्चुअली जो बाइक है वो हमने आगे खड़ा दी है, क्योंकि उधर पे क्या है कि यहाँ पे बाइक नहीं आती खेतों में, तो जहाँ तक आती है वहाँ हमने बाइक लगा दी, और अभी जिस खेत में मैं हूँ आजकल मैं बाजरे की रोटी खा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे हमारे उत्तराखंड गढ़वाल में गढ़वाले कुमाऊं में उधर पे चलता है मंडुआ, तो इधर पे चलता है बाजरे की रोटी, आपने सुना भी होगा बाजरे का सिट्टा गाना है, ये बाजरा है भाई, ये देख सकते हैं आप, ये अभी उग रहा है, भाई का ही खेत है, और ये बगल में सारे खेत है, पीछे आप देख सकते हैं बतख भी है वहाँ पे, और मेरे पीछे ही जो आप देख पा रहे होंगे ये पेड़ है, ये देखो, और ये जो पेड़ है जो कई लोग इनको पहचान पा रहे होंगे, ये है नारियल के पेड़, और इनमें लगा हुआ ये भाई का पूरा नारियल का बगीचा ही मान लो आगे हिसाब से, नारियल का बाग है, दिखाते हैं आपको आगे लेके चलते हैं, आइए आगे आइए। एक्चुअली क्या है यहाँ पे अभी पानी छोड़ रखा है, तो ये पानी क्यों छोड़ रखा भाई, जैसे मतलब अच्छा अच्छा इसमें मतलब पानी भी आप जैसे कभी कभी छोड़ते हैं या हमेशा ही छोड़ते हैं इसमें पानी, एक हफ्ते में संडे को, अच्छा हर संडे को इनको पानी चाहिए होता है, ये देख सकते हैं भाई पेड़ भी फिर भी पूरे बड़े हैं, पर इनके लिए मतलब इनकी जो खेती है ये भी खेती है एक हिसाब से है ना भाई, तो इनमें क्या है कि इनको हर संडे को पानी चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा पेड़ हो जाए, चाहे बूढ़ा हो जाए पेड़, मतलब अच्छा पानी पिलाना ही पड़ता है। चलो भाई बाकी अब आपको लेके जाते हैं आगे, यहाँ पे एक्चुअली भाई ने जैसे हमारे उधर एक खेतों के बगल में एक जैसे होता है ना जिसमें सामान वगैरह रखते हैं, हम बोलते हैं उसको छानी,
और इधर पे बोलते हैं उसको शायद क्या बोलते हैं कुआ, एक्चुअली मैं जिसकी बात कर रहा था उसको बोलते हैं जैसे गोदाम जहाँ पे सामान वगैरह रखते हैं, यहाँ पे रहते तो है नहीं, तो ये देख सकते हैं इधर पे इन्होंने अपना खेतों का पूरा सामान रखा और यहीं पे बगल में एक कुआ भी है, और ये भाई कह रहा है कि हम इसमें नहाते भी है भाई, हाँ नहाते भी है, और ये हर एक खेत में है इधर पे, जैसे ऐसे कुएं हैं जिनका भी खेत है, हम इधर से आए अभी तो उधर पे भी ये कुआं था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने बतख, ये देखिए ये इधर बतख है, अगर आप देख पा रहे होंगे सामने, ये देखो ये बतख है, तो अब हम चलते हैं इधर आगे समुद्र की ओर चलते हैं भाई, और समुद्र दिखाते हैं आपको, यहाँ पे एक जंगल है पीछे, इसके पीछे ही थोड़ा सा, और उसके बाद बिल्कुल समुद्र लग जाता है, तो ये भाई नारियल खाने का जुगाड़ हो रहा है यहाँ पे, चले गया भाई ऊपर नारियल के लिए, और इससे निकालते हैं जैसे इससे शॉर्ट में निकालते हैं, बट ये भाई ऊपर पेड़ में ही चढ़ गया, और ये आंटी जी है भाई की माँ, नमस्ते आंटी जी, ये देख सकते हैं आप ऊपर चढ़ गया भाई, तो ये है नारियल जो लगे हुए हैं, एक्चुअली अब जब नारियल के खेत में आए यार भाइयों का पूरा बगीचा है तो नारियल खाना तो बनता है भाई, ये देख सकते हैं आप ये पूरा बगीचा इनका ही, केले का पेड़ भी लगा हुआ, देखो ये आ गया ताजा ताजा, ओहो गिर गया, अरे खाली हो गया भाई ये तो, अरे आराम से देता ना, अरे तू कैच कर ले, हैं कैच कर लो, अच्छा ये हमारे दे देना, मोटा ले इनको मोलू पानी नहीं करते, नाना मत मोलू नहीं करते, पकड़ के रखना, हाँ हाँ पकड़ के, बस आ गया, गिरना मत भाई, स्वादिष्ट है भाई पूरा नारियल तो, ये वाला हाँ ये मीठा है, हाँ ये मीठा नहीं है क्या ये वाला, नहीं ये भी मीठा है, ताजा ताजा अभी पेड़ से निकाला, फर्स्ट बारी खा रहा हूँ ताजा ताजा, मैं तो मैंने वैसे भी नारियल के पेड़ तो देखे थे बट नारियल उगा हुआ उनमें नहीं देखा था लगा हुआ, ये है भाई पीने वाला पानी, समुद्र पास में है फिर भी ये वाला जो पानी है भाई बोल रहा मेरे को मीठा है, नहीं तो इधर पे क्या है कि समुद्र में पानी खारा होता है आपको भी पता है, बट ये वाला पानी पीने का है इनका, तो अब हम निकल रहे हैं समुद्र की ओर, तो चलो भाई मेरा पहला एक्सपीरियंस पहली बार देखूंगा समुद्र, और इस घने जंगल से होके हम निकल गए अब समुद्र की ओर, और ये सामने शायद जो दिख रहा है यही ना भाई समुद्र ही आ गया, बस 100 मीटर की दूरी पे ही समुद्र आ गया, सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं भाई अभी सागर के किनारे समुद्र के किनारे, और मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम समुद्र देख रहा हूं, जो कि आप मेरे बैक एंड में देख सकते हैं भाई, ये देखो क्या शानदार व्यू है भाई, ये देखो ये है भाई दरिया समुद्र, आपको आगे लेके जाता हूं, और जो मछुआरे हैं ना यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहीं से, अभी तो मैं आगे भी नहीं गया, मेरा दोस्त आगे चले गया, वो कहाँ कहाँ तक जा रखे मैं तो सोच रहा हूँ भाई, लहरें जब आती है तो ये मतलब कैसे रह पाते हैं यार, मतलब बहुत रिक्सी है भाई काम, और ये भाई बोल रहा है कि मैं भी जाता हूँ, तो अभी मैं थोड़ा पहले समुद्र के किनारे पे जाता हूँ, समुद्र तो देख लिया दूर से यार, आपको भी दिखाता हूँ, तो भाई ये देख सकते हैं आप ये पीछे मेरे दरिया जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं गया भी था अभी, मैं तो भाई डर रहा हूँ समुद्र में जाने के लिए, तो ये देख सकते हैं आप जाते हैं आपके सामने, बाकी अब मैं जो आपको बता रहा था ये मछुआरे से रिलेटेड, इनको देखो भाई कहाँ पे जा रखा है बंदा, ये देखो ये कितने कितने पानी में जा रखा है, उस बंदे को कोई डर नहीं है, और एक ही इधर है ये देखो, और मैं यहीं पे गया था भाई अभी, इतनी खतरनाक लहरें आ रही थी मैं तो डर गया भाई, सीधे वापिस आ रहा था, ये देखो मेरा ये भर गया, अभी दोबारा जाता हूँ यहीं पे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, और उनको देखो उनके अंदर कितना साहस है कि कहाँ तक जा रहे थे, बाकी इधर पे अभी बोट चल रही थी
वो बोट क्या है कि वो देखो उधर पे चल रही है, उधर एक शमशान घाट भी है गांव का, और उधर ही पे बोट का स्टैंड है। तो वहाँ पे 21-22 बोट खड़ी है, जो भाई मेरे कैमरे में है जो यहाँ का है लोकल, वो बता रहा है कि उधर साइड बोट रहती है। बाकी मैं आपको आगे लेके जाता हूँ, आगे का अभी दिखाता हूँ आपको कि जो समुद्र की लहरें वो कैसे मतलब अपनी और खींचती है। मैं साइड पे खड़ा हूँ भाई, सीधे आ जा। अभी देखो मैं बिल्कुल साइड पे खड़ा हूँ, मेरे को पता है मैंने ये ऊपर कर लिया क्योंकि बहुत तेज आती है लहर उधर से। अब देखना आप जब लहर आएगी उसी पे, मतलब मैं तो डर जाता हूँ भाई पानी से, मैं नदियों में भी नहीं जाता था नहाने से। और यहाँ में देखना आप वो बंदे का सारा देखो, आज लहरें आती है जो आराम से चिल लेकर के ऐसी भी क्या है वो डेली भी है ना इधर पे। देखो मैं पानी में भी नहीं हूँ अभी, देखना लहर जब आएगी तो फुल तेज आएगी। देख रहे हो कहाँ तक चलेगा पानी भाई, पूरा मैं तो डरता हूँ भाई साइड में, थोड़ा आगे जाने की कोशिश करते हैं। ये तो वापिस ही हम और आगे मत जाना, आगे गड्ढा गहरा होगा ना। ये समुद्र भाई, बाकी आप चारों तरफ व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे जंगल है छोटा सा। ये देखो भाई डर लगता है भाई पीछे तो, जैसी लहर आती है वैसी डर जाता है बंदा, मैं तो डर जाता हूँ भाई सर। देखो कितना तेज जाती है। ये है गाइस समुद्र का व्यू यहाँ पे। बाकी आपको कोशिश करूंगा मैं जहाँ पे बोटिंग हो रही है बोटिंग में बैठने की भी कोशिश करूंगा, अगर शायद जाऊंगा वहाँ पे। बाकी आप देख सकते हैं ये देखो, ये सामने चल रही है बोट, कहाँ से जा रही थी बिल्कुल समुद्र में। ये है कि भाई जहाँ तक दिखता हुआ नहीं सके, बाकी आगे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा आगे। अभी धूप भी बहुत ज्यादा तेज लग रही है, देख सकते हैं आप। तो जहाँ तक हम देख पा रहे हैं बस वहीं तक है, आगे तो पूरा समुद्र ही है। ये है यहाँ का व्यू। तो भाई जब समुद्र के किनारे आए थे यहाँ पे, तो एक्चुअली क्या है जो शंख बनते हैं, मेरे को नहीं था पता वो कैसे बनते हैं। तो मैं जब आया था तो जो भाई के साथ आया हूँ वो लोकल है यहाँ का, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये जो समुद्र का जो पत्थर होता है वो उससे बन के आते हैं। ये तो अभी छोटे छोटे बने नहीं है पूरी तरीके से। क्या है कि जो मछुआरे आते हैं यहाँ पे रात, और जो लोकल लोग होते हैं वो उसको लेके जाते हैं यहाँ से, उसके बाद उसको बेच देते हैं। तो अभी इधर पे तो दिख नहीं रहा, बाकी जो पत्थर है आप देख पा रहे होंगे, देखो ये सारे पत्थर उसी के शंख के, जो पीछे दरिया है समुद्र है उधर से वो ढूंढते हैं, उधर से बन के आते हैं। तो उधर से हम भी देखते हैं, अगर क्या पता उधर पे होंगे मिलेंगे कोई, जो पीछे मेरे आप देख सकते हैं दरिया है पूरा सारा समुद्र। तो उधर पे ढूंढता हूँ मैं, कहीं अगर मिला होगा, अगर कोई शंख मिलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। बाकी ऐसे बनते हैं शंख इन पत्थरों से, दिखाता हूँ आपको। तो भाई एक्चुअली मैं बोल ही रहा था, मैंने बहुत ढूंढा, मैं उधर से आया ढूंढ ढूंढ के बहुत दूर से, मैंने कहा कहीं ना कहीं तो मिलेगा शंख। तो जो ऐसे पत्थर होते हैं देखो मेरे को शंख, ये देखो भाई मेरे को एक शंख मिल गया ये वाला, ये देखो ये बेशक छोटा है बट क्या है कि मतलब मिल तो गया पूरा शंख बना हुआ। ये देखो आप जो भाई है वीडियो कैमरा में वो लोकल है एक्चुअली यहाँ का, वो कह रहा है कि जो ये शंख है इनको जो लोकल लोग होते हैं वो लेके जाते हैं, इसलिए इधर पे नहीं है, नहीं तो बहुत बड़े बड़े शंख भी होते हैं। तो मेरे को आज पता लगा, ये मेरे लिए नई नॉलेज थी, जिसके लिए भी नई नॉलेज थी वो कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे को पहली बार पता लगा कि जो ऐसे शंख है वो समुद्र के पत्थर से खुद ही बन के आते हैं। तो ये चीज है जो कि आप देख सकते हैं, देखो पूरा शंख है भाई, ये देखो ये देख सकते हैं आप पूरा बना हुआ है। और ये मैंने बिल्कुल अभी समुद्र से, ये देख सकते हैं अभी भी इसमें रेत बालू पड़ी हुई बहुत सारी, तो ये अभी मैंने ही उठाया समुद्र से। बाकी पीछे आप समुद्र का भी मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, देखो कितना शानदार व्यू है पूरा दिखा देते। देखो भाई बज भी रहा अभी, एक्चुअली क्या है कि ये नया है तो बहुत ज्यादा जोर लगानी पड़ रही है, तो फिर भी बज रहा है ये देख सकते हैं आप। सो भाई अभी आ चुके हैं इधर भाई के जो छानी है भाई का, यानी गोदाम टाइप का जहाँ पे ये सामान रखते हैं खेतों में। तो यहाँ पे आंटी जी ने खाना बनाया था, तो अभी ये खाना खा रहे हैं। ये बाजरे की रोटी है ना भाई? हाँ, बाजरे की रोटी है और दाल बनी हुई। बाकी यहाँ पे बनाते हैं खाना जो कि आप अंदर देख सकते हैं।
तो भाई जब मैं दरिया से समुद्र से अभी वापिस आया भाई के बगीचे में, तो नारियल के बगीचे के बारे में मेरे को एक चीज पता लगी यहाँ पे, क्योंकि मैं भी किसान फैमिली से हूँ भाई। तो जो सबसे अच्छी जो फसल होती है, मतलब बगीचा जो सबसे अच्छा होता है, वो होता है भाई नारियल का। वो क्यों होता है, उसका मैं रीजन भी आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो नारियल के पेड़ होते हैं ये हर महीने फसल देते हैं, और मैंने ऐसे मतलब कोई बहुत कम होंगे ऐसे, मतलब और भी कोई फसलें होंगी ऐसी जो हर महीने देती है, बट जो नारियल का बगीचा, नारियल होता भी महंगा है। और देख सकते हैं आप ऊपर इसमें नारियल लगे हैं। एक्चुअली क्या है, जो भाई जिनका ये बगीचा है उन्होंने ही मेरे को बताया, उनकी मॉम ने बताया, वो कैमरे में है भाई अभी। तो ये क्या है कि हर महीने फसल देते हैं, हर महीने ये तोड़ते हैं इनको, उसके बाद ये मंडी लेके जाते हैं या बेच देते हैं या कुछ खा लेते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा फायदेमंद वाली खेती है भाई। तो अगर कोई करना चाहता, बट इसके लिए क्या होना चाहिए कि थोड़ा जो मिट्टी है वो दरियाई मिट्टी होनी चाहिए, मतलब ऐसे थोड़ा बालू टाइप की मिट्टी, देख सकते हैं आप मिट्टी नीचे। और ये क्या है कि यहीं पे समुद्र है इनका, तो अपने उधर तो पहाड़ी एरिया में तो कोई समुद्र नहीं होता, मैं पहाड़ से हूँ भाई, यहीं पे समुद्र है, जो छोटा सा जंगल है इसके पीछे ही समुद्र है, तो इसलिए इधर पे नारियल की खेती होती है। तो है ना भाई मस्त। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग चीज नहीं थी पता नारियल के बारे में, कि नारियल का जो पेड़ है वो हर महीने फसल देता है, मेरे को तो अभी पता लगी, यानी साल में 12 महीने में 12 बार फसल देता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात, अगर आपको भी अभी पता लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करना। बाकी आपको आगे मिलते हैं। आप इसको हर हफ्ते देना पड़ता है पानी? हर हफ्ते है पानी हमारा मुख्य हाथ से हो तो। अच्छा अच्छा। ये कह रहे हैं इसको हर हफ्ते पानी देना पड़ता है। देखो मूंग होता है, तल तल आता है ना, तल है, तल 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 आवे नहीं। अच्छा तल रास्ता जीना जीना तल नहीं आते, तल धोरा नहीं। अच्छा दाल नहीं, दाल तल तल किसको बोलते होंगे अब, ये एक्चुअली गुजराती भाषा में बोलते हैं। किसको हिंदी हिंदी पता है उसका, तल का लड्डू नहीं आता, तल के लड्डू के लड्डू नहीं आते, चिक्की बनाते हैं ना, तल की चिक्की लड्डू वगैरह। अच्छा अच्छा, तो वो क्या वो भी होता है इधर? अच्छा अच्छा, इधर तुम्हारे बगीचे में? अच्छा अच्छा, उस वाले खेत में अच्छा, इसमें इसी में करोगे फिर वो फसल? अच्छा दूसरे खेत में तुमने जो अभी बो रखे, अच्छा जो बाजरा बो रखा उसके बाद उसको बोएंगे, मतलब तल को है। तो भाई इधर जब आए थे समुद्र साइड देखने, तो यहाँ पे भाई लोगों की खेती भी है, और यहाँ पे दिखा मुझे एक घर दिखा, और इधर पे इस घर के आप देख सकते हैं जो खाट बिछी है, ये देखो कैसे बिछा रखे, नीचे बकरियां वगैरह बांध रखी है, वो वहाँ पे भैंस बांध रही है छोटी भैंस, और ऊपर देखो यहाँ पे ये सोते हैं रात को, देख सकते हैं आप, यहीं से जाते हैं ना ऊपर। हाँ हाँ, यहीं से। तो ये भाई कह रहा है मेरे को कि मतलब अगर यहाँ सोना चाहता है तो यहाँ भी सो सकता है एक दिन। मैं सोच रहा हूँ भाई, देखूंगा या तो आज या कल इधर ही सोऊंगा रात को। वो क्या है, वो क्या है देखना भाई, नोरिया नोरिया है, दिख रहा है उसमें होगा, रेंदे रेंदे चलेगी आप तो। इतना बड़ा था, कुछ पता नहीं क्या था, सांप की तरह लग रहा था। देखूंगा भाई इधर पे रहूंगा एक दिन, ये देख सकते हैं व्यू आप यहाँ से, देखो इधर से सारी, इधर ऊपर का व्यू आप देख सकते हैं, इधर खेत है, आगे भाई के खेत है, यहाँ पे अच्छा है रहने के लिए। देखूंगा मैं, मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे रहने की, आज या कल, यहाँ का भी आपको ब्लॉग दूंगा मैं फिर। ये देखो भाई, ये जा रही है बैलगाड़ी, दो बैल पीछे लगे हैं। सो गाइस, अभी बज चुके हैं शाम के 5:30, और मैं और मेरा दोस्त जब समुद्र किनारे गए थे सुबह मॉर्निंग में, तो हम वापस आ गए थे 11:30 बजे हम घर पे आ गए थे। तो फिर उसके बाद हमने आराम किया, और अभी हम दोबारा जा रहे हैं। इस टाइम हम इसलिए जा रहे हैं, वहाँ पे मछुआरे आते हैं इस टाइम, और समुद्र का जो व्यू है, सनसेट का व्यू भी अगर दिखेगा शायद, तो वो भी काफी अच्छा दिखेगा। तो अभी हम निकल रहे हैं, अभी हमारे साथ अंकल जी भी है, वो थोड़ा आगे चले गए, तो साथ में ही जाएंगे, मैं भी और मेरा दोस्त भी साथ में ही चल रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको आगे का व्यू।
सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी समुद्र किनारे। शाम हो रही है भाई, अभी सनसेट का व्यू तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और ये हैं हमारे अंकल जी, जिनका ये लड़का है मेरा दोस्त, इनके घर पे हम रुके हुए हैं अभी। बाकी ये इनका पोता है और हम चारों लोग आ रखे हैं अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरे को अंकल जी बता रहे थे कि ये इनकी, जैसे हमारे गाँव में शमशान घाट होता है, हमारे उधर तो यमुना नदी आती है, तो हम यमुना नदी के बगल में हमारा शमशान घाट है। तो इन लोगों का ये वाला शमशान घाट है, ये जो देख पा रहे होंगे आप, ये सारा शमशान घाट है। और इसी के बगल में एक्चुअली यहाँ पे शमशान घाट में हम इसलिए आए क्योंकि यहाँ से व्यू काफी अच्छा आता है। और यहीं पे इसी के बगल में बोटिंग भी यहीं से ही होती है अंकल जी। हाँ, 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 यानी जो क्या बोलते हैं, हाँ ये इधर साइड आप देख सकते हैं। और ये पीछे है समुद्र का व्यू जो कि आप पीछे देख पा रहे होंगे मेरे, ये पूरा समुद्र है। और इधर से ही बोटिंग होती है, ये देख रहे होंगे आप, इधर पे बोट्स भी खड़ी है इधर पे, ये देख सकते हैं दो लोग ये नीचे जा रखे अभी। कुछ इधर मछुआरे आते हैं शाम को। अब पीछे मेरे साइड अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, गौर से, तो पीछे बोटिंग भी हो रही है शायद, इतना कैमरा फोकस मुश्किल कर पा रहा होगा। तो ये है यहाँ का व्यू भाई इस टाइम। बाकी देखते हैं अब बोटिंग का, एक्चुअली इधर साइड हो रही बोटिंग, थोड़ा आगे जाते हैं, आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। ये पत्थर आप देख सकते हैं भाई, ये कैसे पत्थर है, बिल्कुल नुकीले पत्थर है बहुत ज्यादा, तो इनके ऊपर संभल के आना पड़ता है। बाकी ये समुद्र किनारे का व्यू है, ये देखो बोटिंग हो रही है इधर साइड, इधर पे आप देख सकते हैं बोट कहाँ पे जा रखी। ये देखो लहरें समुद्र की। और इधर पे अगर आप देख पा रहे होंगे आगे जा रखे हैं बहुत सारे लोग, वो मछुआरे हैं सारे, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये मछुआरे हैं सारे। जो ये बोट्स है ये सारी खराब है जिनके ऊपर मैं अभी बैठा हूँ, ये देख सकते हैं आप, इधर पे सारी बोट्स पड़ी है। और यहाँ पे एक्चुअली मैं इसलिए आया हूँ, मैं काफी दूर से आए थे हम यहाँ से, यहाँ पे मेरे को अंकल जी बता रहे थे, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अंकल जी मेरे को बता रहे थे जिनके साथ में आया हूँ यहाँ पे, वो बता रहे थे कि यहाँ पे जो अंबुजा सीमेंट है, आपने सुना होगा इंडिया में काफी फेमस है, तो अंबुजा सीमेंट का जो जेटी बोलते हैं जहाँ से एक्सपोर्ट होता है बाहर, यानी जो अदर कंट्रीज में है, फॉरेन में जो एक्सपोर्ट होता है उसका सीमेंट, उसकी जेटी होती है प्रॉपरली जहाँ से सीमेंट जाता है, मतलब उसकी जेटी सामने बनी है, वो यहाँ से अभी 1 से 1.5 किलोमीटर दूर होगा, ये सामने आप जो लाइट देख रहे होंगे वहाँ पे बनी है उसकी जेटी। जेटी का मतलब होता है समुद्र में, यानी जो सागर में उनका 1 से 1.5 किलोमीटर तक वहाँ पे कुछ बना होता है, मैं तो गया नहीं अभी तक, बट मेरे को अंकल जी बता रहे थे, इन्होंने बताया मेरे को, इसलिए मैं वहाँ से दूर से, काफ़ी दूर से हम यहाँ तक आए। बाकी ये बोट्स है इधर, तो वहाँ पे भी कोशिश करेंगे हम जाने की, सामने ही हो, ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगा यहाँ से, वहाँ पे भी कोशिश करेंगे जाने की। बाकी ये आप देख पा रहे होंगे पीछे, अब वो सनसेट तो हो चुका है बट अभी पीछे थोड़ा अंधेरा होने वाला है हल्का हल्का सा। अब पीछे का आप व्यू देख सकते हैं सी का, पूरा पूरे समुद्र का आप व्यू देख सकते हैं। सो गाइज अभी बज चुके हैं शाम के 6:30 और यहाँ पे एक जो भाई है, ये हमारे पीछे वाले भाई, ये भी धामलेज गांव के ही है, ये हमें अभी मिले थे यहाँ पे, तो इन्होंने भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी डिटेल्स बताई। एक्चुअली क्या है कि आपने कृष्ण भगवान के बारे में सुना होगा, रणछोर दास बोला जाता है उनको, तो जब वो रण छोर के आए थे तो ये भाई मेरे को बता रहे हैं कि जो उनका, जहाँ पे वो छुपे थे वो इधर ही पड़ता है जहाँ पे अंबुजा सीमेंट का वो जेटी बनी हुई है, इधर साइड बैक साइड में, जो भाई जो मैंने अभी आपको बताया होगा बैक साइड में, इधर साइड बनी हुई है जेटी, तो यहाँ पे जब वो छुपे थे तो उसी के बगल में वो छुपे थे कृष्ण भगवान भी, और वहीं पे जेटी बनी है अंबुजा सीमेंट वालों की। दूसरी बात महाभारत काल का ये है कि जहाँ पे अर्जुन का इधर पे महल था, सोने का जो महल है ना भाई, अर्जुन का सोने का महल इधर ही था, अभी सोने का महल नहीं है बट अभी कुछ धातुएं मिलती है उसकी, इधर ही मिलती है वो आगे। और कुछ और भी बता रहे थे भाई आप, कुछ और क्या बता रहे थे आप? बकासुर राक्षस को अर्जुन भीम ने मारा यहीं पर। अच्छा अच्छा, बकासुर राक्षस को जब भीम ने मारा था वो भी इधर ही है, तो वो सारी चीजें हैं इधर। और अंबुजा सीमेंट की जेटी, अभी तो मैं उनको दूर से आपको दिखा पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं वहाँ हूँ नहीं, क्योंकि रात पड़ने वाली है, ब्लॉग मेरा वहाँ पे अभी बन नहीं पाएगा प्रॉपर, क्योंकि उसके लिए पहले मेरे को वहाँ पे बात करनी पड़ेगी अच्छी तरीके से, नॉलेज जो वहाँ के मेंथ वगैरह होंगे उनसे, मैं कोशिश करूंगा बिना विदाउट नॉलेज मैं वहाँ पे ना जाऊँ अभी, तो वो थोड़ा दूर है मेरे से, 1 से 1.5-2 किलोमीटर दूर है यहाँ से, उसका मैं प्रॉपर एक अलग से ब्लॉग लाऊंगा अच्छी तरीके से, इसका शायद नेक्स्ट ब्लॉग भी मेरा वो आ सकता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना तब तक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।